हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11th का ये हमारा दूसरा पार्ट है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं। ठीक है, तो सार्थक अंक हम देखेंगे सबसे पहले कि सार्थक अंक होते क्या हैं। उसके बाद हम सार्थक अंक के नियम देखेंगे कि सार्थक अंक के कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि सार्थक अंक। ठीक है, तो सार्थक अंक कहते किसे हैं। ठीक है, तो सार्थक अंक का डिफिनेशन यही होता है। तो अगर सिंपल वे में सार्थक अंक का डिफिनेशन कहा जाए तो मतलब प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया गया कोई मान होगा। ठीक है, कोई प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया गया मान होगा तो उस मान के अंतिम अंक या आप कहें अंतिम आंकड़े के छोड़कर शेष अंक को ही हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। नहीं समझ में आया, देखिए मान लीजिए प्रयोगों द्वारा, समझिएगा, प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान है, डिफिनेशन अभी बताया जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं प्रयोगों द्वारा प्राप्त ये मान है, मान लेते हैं 17.61, ये प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान है। ठीक है, ये 17.61 क्या है, ये प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान है। तो इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे कि प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान में अंतिम आंकड़ों को छोड़कर, अंतिम आंकड़े कहिए या अंतिम अंक कहिए, ठीक है, अंतिम अंक को छोड़कर शेष अंक को, ये शेष अंक को ही हम क्या कहेंगे, शेष मान को ही हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन सिंपल वे में क्या कहेंगे, प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान में अंतिम अंक को छोड़कर शेष मान को हम सार्थक अंक कहते हैं, या शेष अंक को सार्थक अंक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सार्थक अंक का डिफिनेशन यहीं से याद हो गया होगा। क्या कहेंगे आप, डिफिनेशन को स्वयं लिखिए। ठीक है, स्वयं नोट्स बनाना सीखिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सार्थक अंक कोई पूछ ले कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान में अंतिम अंक को छोड़कर शेष अंक को हम सार्थक अंक कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन चलिए लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे कि प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान में से अंतिम आंकड़ों आंकड़ों कहें या आप अंक कहें, अंकों को छोड़कर शेष अंक को या शेष अंक, या आप मान भी कह सकते हैं, शेष मान को सार्थक अंक कहते हैं। तो डिफिनेशन आप यहां से भले ही मैंने लिखवा दिया है, परंतु आप डिफिनेशन यहां से याद रखेंगे। क्या क्या लिखा गया है कि प्रयोगों द्वारा मान में अंतिम अंक या आंकड़ों को छोड़कर शेष मान को हम सार्थक अंक कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, इसमें सार्थक अंक क्या हो जाएंगे, इसमें सार्थक अंक क्या हो जाएंगे, 17.6 हो जाएंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंक कितने, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी है, 3 है। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है, 1, 2 और 3, सार्थक अंकों की संख्या 3 है। तो यही हो गया आपका सार्थक अंक और सार्थक अंक के डेफिनेशन, और एग्जाम्पल से आपको सार्थक अंक का परिभाषा